शिव कुमार पांडे मेरा नाम है और यहाँ पर ये हम सब लोगों का बहुत सौभाग्य है कि महाराष्ट्र की धरती पर यहाँ मुंबई में बड़े भैया श्री हिंदू रत्न श्री सुधाकर चतुर्वेदी जी का स्वागत करने का हम सबको एक अवसर मिला। अगर कोई सामान्य व्यक्तित्व होता तो जितने षड्यंत्र इनके साथ हुए, जितनी समस्याएं इनको झेलनी पड़ी, उसके बाद वो व्यक्तित्व टूट गया होता। पर चूंकि हम सब देख सकते हैं कि उतनी ही निष्ठा उतनी ही मजबूती के साथ सुधाकर भैया आज फिर से हम सब लोगों के साथ अपना छत्रछाया अपनी मार्गदर्शन हम लोगों को देते हुए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इनके मार्गदर्शन में पूरे भारत में उत्कृष्ट भारत बहुत बढ़िया काम कर रहा है और पूरे भारत को उत्कृष्ट भारत के माध्यम से सुधाकर भैया जोड़ रहे हैं और पूरे भारत को आह्वान कर रहे हैं कि पूरा भारत अब उठ जाए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आह्वान किया था कि महाभारत का युद्ध सामने है, तो उस युद्ध में लड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने आह्वान किया था अर्जुन को कि उत्तिष्ठ भारत, वैसे ही सुधाकर भैया ने आह्वान किया है। और यहाँ पर कोली समाज के बीच में भैया का स्वागत समारोह हो रहा है, हम सब लोगों को इसका बहुत आनंद है। कोली समाज जैसे बॉर्डर पर हमारे जो सेना के जवान होते हैं, बॉर्डर से कोई आतंकवादी या कोई ऐसी गतिविधि हमारे देश के अंदर न हो, उसी प्रकार से कोली समाज हमेशा से हमारे देश की सुरक्षा का भी काम करते आया है। मछली का व्यापार करने के साथ साथ में देश के अंदर समुद्र के रास्ते से कोई ऐसी गलत गतिविधि ना हो, इसको कोली समाज ने हमेशा जो है एक सेना के जवान की तरह कार्यरत हैं, सेना के जवान की तरह कार्य किया है। पर बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि यहाँ कोली समाज के बीच में भी धर्मांतरण का जहर फैलाया जा रहा है। तो उत्तिष्ठ भारत के यहाँ पर बड़े ही अच्छे कार्यकर्ता सब बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, सब मौजूद हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन और आग्रह है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो धर्मांतरण के विषय पर यहाँ पर जो एक जहर फैलाया जा रहा है, उससे निजात दिलाने का काम भी उत्तिष्ठ भारत भैया के मार्गदर्शन में करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।